आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अमेजन शॉपिंग ऑनलाइन कंपनी की, जिसमें एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। नोएडा सेक्टर 41 में रहने वाले अद्वैत त्रिपाठी ने अमेजन से हार्ड डिस्क ऑर्डर की थी। इसके लिए उन्होंने 3,800 रुपए ऑनलाइन पेमेंट किए थे, लेकिन जब पार्सल आया तो उसमें हार्ड डिस्क की जगह टीवी के टूटे हुए दो रिमोट पड़े थे। अमेजन को इस बाबत शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया है। यहाँ पर मेरे साथ अद्वैत है। अद्वैत, आपने क्या ऑर्डर किया था और क्या आया? एक्चुअली मैम, मैंने 31 मार्च को एक्सटर्नल हार्ड डिस्क मंगाई थी, जिसकी मैंने ऑनलाइन पेमेंट की, और आज अभी जस्ट एक घंटे पूर्व मेरे पास पार्सल आया। और जैसे कि मैंने पार्सल खोला, यूं मैं बहुत एक्साइटेड था कि मेरे को हार्ड डिस्क आ रही एक्सटर्नल। ये पार्सल वैसा ही पैक है? वैसा ही पैक है। मैंने ऐसे पार्सल खोला, उसमें ऐसी तरीके से मेरे को दो रिमोट निकले। मैं पिछले एक घंटे से फोन कर रहा हूँ कस्टमर केयर में, मेरा किस तरह से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। और बात यहाँ आज पैसे की नहीं है, बात विश्वव्यापी अमेजोन कंपनी, जिनका विश्व में इतना नाम है, और आज देखिए जनता के साथ क्या और मेरे साथ क्या हो रहा है, आपके सामने है। आपने कब ऑर्डर किया था, हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। कब तारीख को ऑर्डर किया था जी? और ये मेरी ऑनलाइन पेमेंट की रसीद है जी। और ये पेमेंट ऑफ कंफर्मेशन पेमेंट है मेरे पास, और मैं इसका इंतजार कर रहा था क्योंकि मेरे पास ट्रैकिंग नंबर था। और आज जब मेरे पास ये आया तो मैंने टूटे हुए दो रिमोट देखे, और मैं उनको एक घंटे से फोन कर रहा हूँ, मेरा किसी तरह से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब मैम आप बताइए मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इतना बड़ा नाम होने के बावजूद भी इस तरह से जनता को धोखा दिया जाएगा? कैमरा पर्सन नरेश के साथ गीतम श्रीवास्तव।